पंडित जी, अगर नशे की वजह से पति पत्नी के बीच तनाव हो तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अगर पति नशा करते हो तो पत्नी उपाय करेंगी। वैसे तो सामान्यतः पत्नियां नशा नहीं करती, लेकिन अगर पत्नी करती हो तो पति उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जप करके प्रार्थना करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये उपाय निरंतर लंबे समय तक किया जाए तो बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ शनिवार को शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए। ये उपाय नियमित रूप से अगर पत्नी करे तो पति के स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसकी आदतों में सुधार होगा। और याद रखिए, अगर आप अपने पति की नशे की आदत छुड़ाना चाहती हैं तो घर में मांसाहार का प्रयोग ना करें, क्योंकि मांसाहार, मांस मदिरा दोनों का जो प्रभाव है वो तामसिक ही है। इसलिए जहां तक संभव हो मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, वैसे तो पति पत्नी को नहीं लड़ना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन जो है बिल्कुल लड़ाई ना करें तो अच्छा रहेगा? वैसे तो ये सही कहा आपने कि विवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार को अगर पति पत्नी विवाद करें तो विवाद जल्दी खत्म ही नहीं होता। देखिए, पति पत्नी के आपसी संबंधों का और वैवाहिक जीवन का स्वामी होता है शुक्र। इसका संबंध शुक्रवार से मानते हैं, तो ये मानते हैं कि अगर शुक्रवार के दिन पति पत्नी विवाद करेंगे तो शुक्र खराब होगा, शुक्र निगेटिव होगा। और अगर शुक्र खराब होगा, अगर शुक्र निगेटिव होगा तो संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि पति पत्नी को शुक्रवार के दिन विवाद करने से बचना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच यदि कलह है तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं छोटे छोटे उपाय करके। पंडित जी, कभी कभी पति पत्नी के बीच बेवजह झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों शांत घर में बैठे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बातों बातों में विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर वो कम होने का नाम नहीं लेता, तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? प्रवीण जी, देखिए, ज्यादातर पति पत्नी के विवादों के पीछे शुक्र ही होता है, और शुक्र जब विवादों में शामिल होता है तो बिना वजह के विवाद होते हैं, बिना कारण के झगड़े होते हैं, बिना वजह के शुरू भी होते हैं, बिना वजह के खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे विवादों से घर का जो माहौल है, घर की जो सिचुएशन है, वो खराब होती है। इसीलिए अगर बिना वजह के पति पत्नी में रोज विवाद होता है छोटी छोटी बातों पर, सिर्फ दो उपाय करने की जरूरत है। पहला, अपने घर के पूजा स्थान पर शाम को दीपक जला करके घर के सुख शांति की प्रार्थना करिए। और दूसरा, जिस बेडरूम में पति पत्नी सोते हैं वहां कांच की एक बोतल में, सफेद कांच की बोतल में गंगा जल भरकर या बरसात का पानी भरकर के शुद्ध पानी वहां पर रख दे। इस जल को साल साल भर पे बदलते रहें। अगर आप ऐसा कर लें तो पति पत्नी के बीच में जो बेवजह के विवाद होते हैं वो विवाद बंद हो जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।